मध्य प्रदेश के दमोह के सिंग्रामपुर में हो रही कैबिनेट बैठक में जाने से पूर्व मंत्री श्री शुक्ला ने मीडिया से की बात। महिला अपराध पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर बोले मंत्री राकेश शुक्ला। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं ये पूरे प्रदेश को पता है। चुनाव के दौरान हमारी नेता इमरती देवी के बारे उन्होंने क्या कहा था ये सबको मालूम है। राहुल गांधी पर कसा तंज, कहां राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। भाजपा की प्रदेश सरकार को शिक्षकों की चिंता है, अतिथि शिक्षकों का जो भी मामला है उस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर हल निकालेंगे। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है सिंग्रामपुर में, 500वीं जयंती भी मनाई जा रही है जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि आज 500वीं जयंती मनाएंगे, तो हम दुर्गावती माँ दुर्गावती जी के क्षेत्र में और उनके जहाँ उनकी जन्मस्थली है वहीं पर मनाने का काम करेंगे। और इसलिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार हम यहाँ संग्रामपुर जा रहे हैं। क्या संदेश जाएगा, चूंकि अलग अलग जगहों पर ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जी। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र पे जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में जाना चाहिए, दिखना चाहिए। ये कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों चीज दिखना चाहिए, इस सब के लिए हम लोग जा रहे हैं। जीतू पटवारी लगातार अत्याचार की बात कर रहे हैं कि महिला अत्याचार लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ा है। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं ये सब पूरे प्रदेश को मालूम है। उन्होंने अभी चुनाव के दौरान हमारी जो एक वरिष्ठ नेता है इमरती देवी जी के बारे में क्या कहा आप सब लोगों को मालूम है। उनके इस वक्तव्य के कारण हम उनका कोई जवाब दें मैं उचित नहीं समझता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे। हाँ वो राहुल गांधी तो क्या क्या कहते हैं, वो पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। अतिथि शिक्षक जो हैं वो कांग्रेस भी उनके समर्थन में कर रही है, आपके साथ में अतिथि शिक्षक। हमेशा मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों की चिंता की है। अतिथि शिक्षकों का जो मामला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे क्या होना है।